वेलकम लाइफ विद सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार डिश, और कीमा और शिमला मिर्च बनाऊँगी। बहुत ही अलग अंदाज से बनाऊँगी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि होगी घर के मसालों से तैयार और बहुत ही कम मसाले यूज़ होंगे और एक ज़बरदस्त सी डिश बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो कीमा, और शिमला मिर्च मैंने ली है 1/2 किलो। इसी के साथ ही कुछ मसाले शामिल होंगे, जिसके अंदर है हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 7 से 8 जवे लहसुन के हैं जिसकी मैंने कटिंग कर ली है स्लाइस में, लाल कुटी हुई मिर्च है 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून, आप हसब ज़ायका लीजिएगा, और पिसा हुआ धनिया मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। इसी के साथ ही मैंने लिए है टमाटर 4 अदद मीडियम साइज़ के, जिसकी मैंने कटिंग कर ली है, 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसकी मैंने सेंटर से इस तरह से कटिंग कर ली थी। इसी के साथ ही मैंने लिए है 4 अदद प्याज, जिनको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है, और कीमे को मैंने 2 बार मशीन से निकलवा लिया था, और कीमा 1 किलो है और 1/2 किलो शिमला मिर्च, ये इसका रेशो है। इसी के साथ ही मैंने एक पतीली ली है, उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाला है, और अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज को मैंने लाइट मीडियम फ्राई करना है, और जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा तो मैं इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करूंगी। तो ये देखें 5 से 6 मिनट में इसका कलर लाइट होना लगेगा, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखें प्याज बहुत ही लाइट कलर इस पर आने लगा है। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है टमाटर और हरी मिर्च, इसको भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी प्याज के साथ, और इसके साथ ही इसको मिक्स करने के बाद मैं तमाम मसाले इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखें ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से तैयार होने वाली ये डिश है, और जल्दी से बन जाएगी। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी कीमा। कीमे को भी मैं बहुत अच्छी तरह से इन मसालों में मिक्स कर देती हूँ। ये देखें बहुत अच्छी तरह प्याज के साथ और मसालों के साथ इस कीमे को मिक्स कर लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कीमे को गलाने के लिए 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी शामिल होगा इसके अंदर। ये देखें 1 गिलास मैं ये ले रही हूँ पानी, इसको भी मैं इसके साथ मिक्स कर दूँगी, और इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको रखूँगी, और बीच बीच में मैं चेक करती रहूँगी। तो चलिए मैं इसको कवर कर देती हूँ, मिलती हूँ आपसे 20 मिनट के बाद। शिमला मिर्च की मैंने कटिंग करनी शुरू कर दी है, और ये देखें इस तरह से स्लाइस में हमने कटिंग करनी है इसकी इस तरह। इस तरह मैं स्लाइस में इस तरह कटिंग करूंगी तमाम शिमला मिर्च की, और फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखें तमाम शिमला मिर्च की कटिंग कर ली है। अब इसके अंदर ये नींबू मैं रस इसका शामिल करूंगी, पूरा 1 नींबू इसमें मैं डालूंगी। इसको इस तरह से इस पर निचोड़ दूंगी, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, और शिमला मिर्च जो है वो नरम हो जाएगी, बहुत ही जूसी होगी, और इसका एक अलग ही टेस्ट होगा। तो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा जब आप कीमा और शिमला मिर्च बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और अब हम देख लेते हैं कि कीमा कितना हमारा गल गया है। ये देखें कीमा अभी इसमें पानी मौजूद है, और तकरीबन इसको 10 मिनट और मुझे कवर करना पड़ेगा, तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, और 10 मिनट के बाद फिर मिलती हूँ आपसे।
10 मिनट हो चुके हैं और कीमे को हम देख लेते हैं। वाह, ये देखें बहुत अच्छी तरीके से इसमें पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और टमाटर बहुत अच्छी तरह गल गए हैं, कीमा और प्याज भी अच्छी तरीके से गल गई है। अब मैं इसकी करूँगी भुनाई और जो ये टमाटर है इसको मैं इस कीमे के अंदर मैश करूँगी और जो प्याज है उसको भी इसी तरीके से मैश करूँगी। इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है जब तक इसके ऊपर ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, जब तक मैं इसकी भुनाई करती रहूँगी और इसमें तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो ये देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसकी भुनाई हो गई है। तो ये देखें मैं इस तरह से टमाटरों को मैश करूँगी और इसके साथ ही इसमें प्याज भी मैश होती जा रही है। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू स्टार्ट हो गई है आना और हरी मिर्चों की कीमे के अंदर जो मसाले शामिल किए हैं उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें पूरी भुनाई हो चुकी है और ऑयल देखें ऊपर आ चुका है, कीमा बहुत अच्छी तरीके से गल गया है और कहीं पे भी देखें टमाटर और प्याज इस तरह से नज़र नहीं आ रही है, बहुत अच्छी तरह मैश हो गई है कीमे में। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी शिमला मिर्च, ये देखें शिमला मिर्च को भी मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रखा था जब तक हमारा कीमा गल रहा था जब तक, और ये पूरा अंदर तक से नींबू के रस के साथ बहुत ज़्यादा जूसी हो गई है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और मीडियम फ्लेम पे रखूँगी, लो मीडियम फ्लेम पे। और इसके अंदर मज़ीद मैं पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं कर रही, शिमला मिर्च नींबू के रस में और इसी भाप में ही गल जाएगी। तो चलें मैं इसको कर देती हूँ कवर और मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। दस मिनट हो चुके हैं, चलें हम चेक कर लेते हैं। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये कीमा और शिमला मिर्च बनके तैयार हो गई है। शिमला मिर्च देखें बहुत अच्छी तरीके से गल गई है और ये देखें ऑयल पूरा ऊपर आ गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हरा धनिया और ये देखें बिल्कुल ड्राई बना है ये, बहुत ही ज़बरदस्त, ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरा धनिया और इसके बाद हरे धनिए को भी मैं मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। मिक्स करने के बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त डिश बनेगी, बहुत मज़ेदार बनेगी, यकीनन सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी, आपको बहुत पसंद आएगी, तो ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ इसको डिश आउट करने के बाद। ये देखें शिमला मिर्च और कीमा बहुत ही बेहतरीन हमारी बहुत जल्दी से बनके तैयार हो गई है ये डिश। और वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को। दुआओं में आमिर को, मुझे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।